नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भोपाल, मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कारण हरदा जैसे छोटे जिले को स्वास्थ्य विभाग द्वारा 14 संजीवनी एम्बुलेंस मिली है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज का धन्यवाद करता हूं। मीडिया से चर्चा में मंत्री कमल पटेल ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है और हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश को सैकड़ों की संख्या में एम्बुलेंस मिली है। हरदा जैसा सबसे छोटे जिले को 14 एम्बुलेंस मिलने से स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड के धारक और जरूरतमंद मरीजों को इलाज में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अरे नारियल पीछे वाले जगह में रखो, पीछे वाले जगह में रखो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, तो हर क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की और तेजी से बढ़ रहे हैं। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें मध्य प्रदेश सरकार को सैकड़ों की संख्या में जो ये एम्बुलेंस का सौगात मिली है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने उसको पूरा किया संकल्प को। और आज हरदा जिला जो प्रदेश का छोटा जिला है सब, उनको 14 एम्बुलेंस भारत सरकार के सहयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी की मिली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और स्वास्थ्य मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ हरदा जिले की जनता की ओर से, प्रदेश की जनता की ओर से, कि अब हरदा जिला मुख्यालय से अगर कोई सीरियस पेशेंट है तो अगर उसको भोपाल इंदौर रेफर करना है तो आसानी से वो पहुंच जाएंगे और ये निःशुल्क सेवा रहेगी पूरे तरह से। तो एक तरह से स्वास्थ्य के क्षेत्र में जहां आयुष्मान कार्ड के माध्यम से 5 लाख रुपए का इलाज निःशुल्क होता है, तो ऐसे सीरियस पेशेंट को यहाँ इंदौर भोपाल या जबलपुर कहीं भी भेजना है नागपुर, तो उनको हम एक एम्बुलेंस से पहुँचाने में और उनका स्वास्थ्य लाभ लेने में फायदा होगा। एक तरह से ये एक नींव का पत्थर साबित होगी और हरदा से इंदौर भोपाल जाने में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। पेशेंट को गांव से अस्पताल जिला मुख्यालय पर लाने में भी कोई परेशानी नहीं होगी और महिलाओं को भी कोई डिलीवरी वाली में तो उसको भी लेकर आने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। इस प्रकार से एक संजीवनी जो नाम है इसका, लोगों को संजीवनी बूटी जिसको कहते हैं जीवन देने वाली, वो ये काम करेगी। उसके लिए मैं एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।